जेरी है, मैं बिचम बप्टिस्ट चर्च का पास्टर है। तो एक्चुअली ये चर्च जो है 2004 से हम लोग मिनिस्ट्री शुरू किया है। तो अभी हम लोग यहाँ में 2004 में जब मैं पास्टर करने सब शुरू करने समय में सिर्फ मैं और मेरा तीन फैमिली यानी तीन मेंबर्स था। तो उसमें से एक मेरा बहन था, एक और मेरा बड़े भाई था। तो हम लोग तीन आदमी से ये बिचम में चार शुरू हुआ। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने आनंद होता था। किसी को प्रचार करके किसी को परमेश्वर का चरणों में लाता है, और एक पापी आदमी जो है मन फिरा के परमेश्वर के पास में उठना देखता है, तो वो परमेश्वर के स्वर्ग या दूत के सामने में बहुत खुशी होता है, वो आनंद होता है। और उस वक्त में हम लोग काफ़ी तकलीफ और इनिशियल प्रेयर था, और काफ़ी हम लोग तकलीफ को चिला, और गांव से भी काफ़ी हम लोग को कुछ कुछ समस्या को मिला, लेकिन फिर भी हम लोग ने उसको ओवरकम करके आज इतना बड़ा चर्च भी हम लोग को बीच में बन गया है। वेस्ट कमिंग में ये बप्टिस्ट चर्च और WKBCC का बप्टिस्ट चर्च में सबसे बड़ा चर्च बिल्डिंग दो हमारा ये बिचम में है। तो इसलिए मैं बहुत खुश है और परमेश्वर से बहुत धन्यवाद है। और यहाँ में अभी लगभग हम लोग के पास में मोर देन 100 बिलीवर्स है। तो और 35-40 हम लोग के पास में फैमिली मेंबर है ये चर्च में। अभी कोई तो स्टॉप है इसलिए ट्रांसफर हो गया, ये नेपको लोग में था, लेकिन जो अभी हम लोग का ऐसे ये कट रहा है ऐसे नहीं है। दिन का दिन हम लोग हर महीना या हर साल में हम लोग कुछ आत्मा को हम लोग विक्ट्री हो रहा है और हम लोग खुशी है। और यहाँ में बहुत अभी भी नॉन क्रिश्चियन है, हम लोग भी प्रभु का सुसमाचार को जाने और एक दिन प्रभु भी उन लोग को चुने। The encounters we had, I cannot exactly remember each and every single thing, but as far as I know, since I was a kid, my parents, they faced a lot of circumstances in their life after coming to Christian. As they converted to Christian, our house got burnt. As far as I can remember, we were chased away from the villages, and then we were not allowed to even take the Christ name in that community. So that encounters with us, but after then with my father, our parents, with us, we didn't give up the situation, and then we stepped forward, and then our life got better and better after taking this. We realized that our decision was not wrong. We realized that everything we did was for the right person, for the right God, and now we are in this position, so we are very grateful to the Almighty God. Sometimes we find it very difficult to convince the other youths, to bring them to Christ, but as we grow in our faith, we see people changing. We see spirit working in each and everyone's heart. I see many changes, and I see many people coming to Christ because there were not much population to Christ, but now the church is full. So I see Christ working in us, working in this very village. Many drunkards, people, those who are living a bad life, not living an exemplary life, but living a bad life, are coming to Christ. Even if they are not coming to Christ, I see them changing. I see their lifestyle changing. I see them giving up the bad things and adopting the good ones. So I believe that Christ is working in this area. I hope and I believe that they will change their life. They will continue on changing their life, and they will come to the right path. जब से परमेश्वर को जाना है तभी से मेरे जीवन में बहुत ही उन्नति आया। जैसे कि पहले समय में मेरा भैया लोग बहुत ही माने ड्रंकर्स ऐसे लोग था, पर जब परमेश्वर हम लोग के जीवन में आया तो सब लोग अभी उन्नति में आ गया। इवन हम भी पहले बहुत ही खराब
माने बहुत ही अच्छा आदमी नहीं था, झगड़ा लोग करके चलता था, पर जब से परमेश्वर को जाना है हम पूरा बदल गया ना, और अभी परमेश्वर का महिमा के लिए हम अपना पूरा सब कुछ देना चाहते। शुरू शुरू में तो बिछू में यहाँ में चर्च भी नहीं होता था, और यहाँ में पास्टर वो लोग का एक रूम में ऐसे फेलोशिप लोग चला जाता, वहाँ में सामने स्कूल भी होता था और हम भी वहाँ में जाते थे। हमको तो कोई लेके नहीं गया, पर हम खुद से गया, पता नहीं परमेश्वर की इच्छा हो कि हमने वहाँ जाने के लिए। Thank you.
होने से उसमें तकलीफ होती है कि अकेला करने के लिए, और कभी कभी प्रेस वर्शिप लोग में भी अच्छा नहीं लगता है कि इतने सारा लड़का होता और लड़की हम अकेला होते हैं. और हम आता लड़की लोग तो है, वो लोग बाहर पढ़ने चला गए हैं और वेकेशन में आते, पर अभी तो हम अकेला है. पर हम कुछ प्रोग्राम में भी हम अकेला करते हैं लड़की, तो हम उस अच्छा करने के लिए चाहते हैं. My parents have converted and they have converted me too. So I'm very grateful for that. Mera bhaiya log to pehle se hi mera big brothers log Christian tha wo log, par mera chota bhaiya log jo nahi tha, mummy log nahi tha, aur unke dwara mere bhaiya log ke dwara wo hamare jeevan par parmeshwar aaya. Bahut hi kathinai aaya tha mere jeevan par, main bahut hi bhatak ke chal raha tha. जब मैं 14-15 years ऐसे टाइम में मैं बहुत ही बिगड़ गया था. तो अभी पर फिर से मुझे जब से मेरा चर्च बिचम चर्च जब डेडिकेट कर लिया था, जो हमारे नागा सर लोग आकर डेडिकेट कर लिया, तभी से मैसेज लोग में सुनकर भैया लोग ने इंकरेज मुझे किया, मेरे सर लोग ने, तभी मैं और भी इंकरेज होकर परमेश्वर का फिर से महिमा को करने के लिए मैं उत्साहित हुआ और परमेश्वर का महिमा अभी कर रहा है. और मेरा इच्छा है कि मैं और भी परमेश्वर का महिमा और प्रशंसा करूँ. वर्शिप के द्वारा और हम लोग के द्वारा दूसरा आदमी भी आकर परमेश्वर का प्यार को जानकर महिमा को हम सभी लोग एक साथ कर सकने के लिए यह हम लोग का कोशिश रहता है. यीशु के जैसा कोई नहीं है इस संसार में या कहीं और में भी. हालेलुया, आपको कहीं नहीं मिलेगा वो इस परमेश्वर जिसने आपका लोग का पुत्र आप सभी को दिया और उसने आप सभी को जागरूक बचाकर Yeah.
क्रिश्चियन में नहीं था तो हम वह सन स्कूल से मेरे ईयर्स 8-9 ऐसे कुछ था तो कुछ साल के बाद 10 साल इतना के बाद मेरा फैमिली वाला पिपरा प्रभु को जाना है शायद ये मेरे द्वारा होता होगा ये परमेश्वर की इच्छा है कि मेरे फैमिली आज प्रभु को जानते हैं इसलिए आज हम बहुत खुश है कि हम सब लोग एक साथ में हैं
इंस्ट्रूमेंट लोग की बहुत ही कमी है यहाँ पर. जैसे हमारे पास गिटार है पर वो भी इतना अच्छा नहीं है, ड्रम नहीं है हमारे पास, स्पीकर्स माइक है पर बहुत ही डिफेक्ट है. पर भी हमारा कोशिश रहता है कि परमेश्वर का महिमा करने के लिए ये डिफेक्ट वाला माइक से भी कोशिश कर कर गाते हैं और परमेश्वर का महिमा करते हैं. और मेरा विश्वास है कि आने वाला फ्यूचर में परमेश्वर हमें सब चीज़ से भरपूर कर देगा, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लोग में हर चीज़ से भरपूर कर देगा. यह मेरा विश्वास है परमेश्वर एक दिन हम सभी को ज़रूर देगा. तो अभी हम लोग का मेन प्रॉब्लम तो यहाँ में साइट डेवलप के लिए हम लोग को काफ़ी मदद चाहिए और प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं. अभी भी यहाँ बिचम चर्च में कुछ पास्टर क्वार्टर नहीं है, फेंसिंग चर्च का कोई प्रोटेक्शन फेंसिंग नहीं है, टॉयलेट स्टोर ये सब अभी भी इनसफिशिएंट है. तो इसलिए हम लोग खुद मेहनत भी कर रहे हैं और परमेश्वर से दुआ भी मांग रहे हैं कि ये काम को परमेश्वर एक दिन फुलफिल करे और करेगा. और ये तो अंदर थाइगो विलेज बप्तिस्ट चर्च में है. अभी तक स्पॉन्सर उन लोग हैं जो भी हम लोग को यहाँ में हेल्प कर रहा है. हम लोग का स्पॉन्सर बॉडी थाइगो बप्तिस्ट चर्च है. तो उन लोग ने अभी तक जो उन लोग का हिसाब से सक रहा है उन लोग ने मदद कर रहा है. तो उन लोग को भी बहुत बहुत थैंक्स है. और मैं चाहता है कि थाइगो बप्तिस्ट चर्च हमेशा इस तरह हम लोग को ऊपर में सपोर्ट करे और हम लोग को साथ दे ताकि हम लोग मिल के परमेश्वर का काम को राज्य को आगे बढ़ा सके. जितना भी ताइगो स्पॉन्सर बॉडीज है उन सबको प्रभु देर सारा आशीष करे और उन लोग को बहुत बहुत हम लोग ये बिचम बप्तिस्ट चर्च की ओर से और वेस्ट कमिंग बप्तिस्ट चर्च काउंसिल की ओर से हम लोग ताइगो वालों को बहुत बहुत थैंक्स देता है. Yeah.